हमारे प्रकल्पग्रस्तों की इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद हमने पिछले एक साल से हमने विविध तरह से आंदोलन किए हैं और आंदोलन के माध्यम से गवर्नमेंट को जागरूक करने का हमारा प्रयास रहा है। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे पुनर्वसन की समस्याएं अभी तक पूरी नहीं हुई। जिनकी खेती कम दाम में सरकार ने खरीद ली उनको अभी तक ठीक से मुआवजा नहीं मिला। इतनी गंभीर समस्या विदर्भ में जल सिंचाई के विभाग ने हमारे सामने खड़ी कर दी है, लेकिन इस पर कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। हमने विविध तरह से आंदोलन किए, सरकार को गुहार भी लगाई, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी। इसके कारण हमने आने वाले लोकसभा के इलेक्शन पर पूरी तरह से विदर्भ के अंदर बहिष्कार डाल दिया है। और इतनी एक महीना हमने इस पर ये किया कि एक महीने से हमने कमिश्नर को, नागपुर कमीशन को निवेदन दिया, अमरावती कमिश्नर को निवेदन दिया, हर जिले के कलेक्टर को, एसडीएम को भी निवेदन दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस इतना गंभीर मामला जो लोकशाही के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है इसका प्रचार कर रही है कि हर व्यक्ति ने मतदान करना चाहिए, इलेक्शन करना चाहिए, वोट करना चाहिए, और एक तरफ ये 1 लाख से अधिक, पूरे विदर्भ में 2.5 लाख से अधिक जो मतदाता है, जो प्रकल्पग्रस्त अफेक्टेड लोग हैं, वो इस पर बहिष्कार डाल रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं। इसके कारण इतनी गंभीर समस्या होने के बाद में गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही दे रहा है। इलेक्शन कमीशन दिल्ली को भी हमने निवेदन भेजा, राष्ट्रपति को भी भेजा, माननीय महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी भेजा, और सभी तरह से जितने भी संबंधित जो इससे रिलेटेड अधिकारी है उनको भी भेजा है, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्शन होना चाहिए इसके लिए खर्चा कर रही। और एक तरफ हमारी प्रकल्पग्रस्तों की बहिष्कार सभा चल रही है और एक तरफ जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी सभाएं चल रही, प्रकल्पग्रस्त के संदर्भ में कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने इसका पूरी तरह से विरोध किया है, हर गांव में इसका विरोध हो रहा है। बिल्कुल किसी भी उम्मीदवार को प्रचार के दौरान आते हैं उसको हकाला जा रहा है। हर गांव में हमारे बहिष्कार के बोर्ड लगे हैं और हर तरह से हम लोग जागृति कर रहे हैं। अगर हमारे वोट से हमारे किसानों की आत्महत्या हो रही, हमारे वोट से अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा, हमारे वोट से अगर हमारी व्यवस्था कलंकित हो रही, तो हम हमारा वोट क्यों करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है और ज़्यादातर पूंजीपतियों पर ध्यान दे रही है। और जो हम लोग इनको चुन कर देते हैं उम्मीदवारों को, ये लोकसभा में विधानसभा में जाके जो कानून बनाते हैं हमारे विरोध में बनाते हैं, हमारे विरोध में पक्ष में नहीं बनाते, बल्कि चुन कर तो हम देते हैं, लेकिन कानून टाटा बिरला अदानी अंबानी के तरफ से कानून बनते हैं और उन्हीं की तरह से उन्हीं का फायदा हो जाता है। आज हजारों हजारों करोड़ इस देश का पैसा कहीं गद्दारों ने लूट कर यहाँ से चला गया, हजारों करोड़ से उनको डुबाया गया, बड़ी बड़ी बैंकों का, बड़े बड़े ये जो पूंजीपति है, जो इंडस्ट्रियल है, उनका कर्जा गवर्नमेंट माफ कर रही, लेकिन किसान का थोड़ा सा कर्जा माफ किया तो ऐसा लग रहा है कि हम गवर्नमेंट ने क्या किया। तो इतना बड़ा ये किसानों के और आम आदमी के और मजदूरों के संदर्भ में इतनी गंभीर समस्या निर्माण हुई है, इसके लिए हमने पूरी तरह से इस आने वाले लोकसभा के सार्वत्रिक इलेक्शन पर हमने पूरा बहिष्कार डाल दिया है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, यही अभी फिर भी हम अपील करते हैं।